तो यहाँ पे एक तो अपन को एनिमी दिख रहा है और एक अपन को हॉस्टेज दिख रहा है। उसको तो उसने पहाड़ पे वहां पे हाइट पे ऐसे लगा रखा है जैसे अभी एक लात की देगा और हॉस्टेज गया नीचे। चलो तो अपन को डिटेक्ट नहीं हो रहा, तो मैं क्राउच करके बड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ आराम। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे, वेलकम टू गेम कीपर्स। अब पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि अपन ने बनापुर को सक्सेसफुली बचा लिया था पेगन विन के गून्स जो यहाँ पे आए थे उन लोगों से, उन्होंने यहाँ पे अटैक कर दिया था, लेकिन अपन ने इस जगह को तो बचा लिया। अब एक आउटपोस्ट है जो उन लोगों ने कैप्चर कर लिया है, जो अपन को अब बचाने जाना है। तो अब अपन यहाँ से चलते हैं सीधा उस आउटपोस्ट को बचाने के लिए। अभी अपन को ये देखो यार कितना बुरा यहाँ पे डैमेज किया है उन लोगों ने, इतने लोग मर गए बेचारे। सवाल का फोन आ गया। बहुत लोग मर गए यार। तो सवाल का फोन आया था कि हॉस्टेजेस बचाने अपन को कहीं से, तो कोई एक छोटा सा गांव है जहां पे हॉस्टेजेस को उन्होंने कैप्चर कर लिया है और वहां पे उसके सोल्जर और पेगन मिन के सोल्जर वहां पे चले गए हैं। तो उस जगह से अपन को हॉस्टेजेस को बचाने जाना है। जो आउटपोस्ट है अमिता उसको वापस से कैप्चर करने में लगी हुई है और सवाल कह रहा है कि मेरे को तो यहीं पे बनापुर में रहना पड़ेगा, तो तू चला जाओ और वहां पे जाके हॉस्टेजेस को बचा ले। अपना वॉलेट फुल हो गया तो मैं एक काम करता हूँ, पहले चीजें खरीद लेता हूँ फिर अपन यहाँ से बेचना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन बॉडी आर्मर ले लेते हैं और मेरे को यार ये वेपन्स थोड़े से अपने चेंज करने हैं। वो अभी लॉन्जिनस ने अपन को एक गलत साइड आर्म पकड़ा दी थी, तो मैं वो सिग्नेचर वेपन्स जो है वो ले लेता हूँ। सिग्नेचर वेपन्स अपन को इसमें गेम में ऑलरेडी फ्री मिलते हैं, अपन को खरीदने की जरूरत नहीं है। एक लौता डाउन साइड उनका ये है कि अपन उसमें अटैचमेंट जो है वो चेंज नहीं कर सकते। अब अपन को ये वाली ये जो बंदूक है ना ड्रिलर, ये बहुत ही शानदार है, तो मैं ये ले लेता हूँ AK-47 की जगह। तो ये भी एक सिग्नेचर वेपन है, ये देखो इसमें ऑलरेडी इतने शानदार अटैचमेंट्स लगे हुए हैं और बहुत ही शानदार असॉल्ट राइफल है ये, तो ये अपने काम आ जाएगी जब भी अपन को असॉल्ट करना होगा, जब भी अपन को स्टेल्थली मारना होगा। तो अपने पास ऑलरेडी गेम का बेस्ट बो है जो अपन परचेज कर चुके हैं, रिकर्सिव बो जो अपन ने परचेज किया था, उसमें अपने पास मार्क्समैन साइट भी है, तो बहुत अच्छा है ये। मैं सारे मैप्स परचेज कर लेता हूँ जिससे अपन को जितने भी लूट आइटम्स हैं और लोकेशंस हैं वो सब पता चलती जाएंगी। अब अपना वॉलेट काफी खाली हो चुका है, काफी क्या पूरा ही खाली हो चुका है। अब मैं फटाफट से ये आइटम्स बेच देता हूँ और अपने वापस से वॉलेट में पैसे इकट्ठे कर लेते हैं और अपना लूट बैग जो है, ये लूट बैग है जिसको अपन खाली कर लेते हैं ताकि अपन अब वापस जब वर्ल्ड में निकलेंगे तो अपन काफी सारी चीजें बेच पाएंगे। खैर अमिता और सवाल पे वापस आते हैं। तो अमिता आप देख रहे हो कह रही है कि आउटपोस्ट अपन को वापस मतलब वापस रिकवर करनी है, ठीक है, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं है कि जो इसके कीरत के जो सिटीजन्स हैं, जो जैसा सवाल ने बोला कि कीरत के सिटीजन्स हम पे भरोसा करते हैं कि हम उनको बचाएंगे, तो वो लोग अब जो हॉस्टेजेस बन गए बेचारे उनको बचाने के लिए अमिता का कोई प्लान नहीं है, ठीक है। उसने सवाल ने यही बोला चिल्ला के, कहता है वो अमिता तो सिर्फ आउटपोस्ट पे टिकी हुई है, उसको कोई मतलब नहीं है हॉस्टेजेस से, हॉस्टेजेस को बचाना अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल खुद अभी जा नहीं पा रहा तो इसलिए वो इसको कह रहा है कि तू चला जा यार, अब मैं इससे जाऊंगा गाड़ी से। तो ये बहुत बड़ा चक्कर है इन दोनों का, सवाल और अमिता का आपस में, इसीलिए दोनों में इतने डिफरेंसेस हैं। दोनों लीडर हैं और गोल्डन पाथ में दोनों लीडर्स हैं, तो आधे लोग उसकी सुनते हैं आधे लोग उसकी सुनते हैं। और अमिता बड़ी प्रैक्टिकल टाइप की और ऐसी है कि मतलब उसको कोई परवाह नहीं है कि कोई जिंदा बचे या मरे, उसको सिर्फ अपने एम्बिशन पूरे करने हैं। उसका एम्बिशन बड़ा सिंपल सा है, उसको गोल्डन पाथ को वापस से अच्छी हाइट्स पे लेके जाना है और लोगों को उसको सक्सेसफुल बनाना है, लेकिन उसके लिए जितने लोग भी मरे तो मरे, ठीक है, जैसे चेस का गेम खेल रही है वो, तो उसको कोई परवाह नहीं है कौन मरता कौन जी रहा। सवाल इस तरीके का नहीं है, सवाल थोड़ा ओल्ड फैशनड है और थोड़ा इमोशनल है और वो ये नहीं चाहता, वो सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता लोगों को। लो जी इंडियन गाना चल गया बड़ा बढ़िया सा कोई सा। तो गाड़ी यार अच्छी चल रही है वैसे तो, कोई खास प्रॉब्लम नहीं हो रही इसमें, गाड़ी इसी तरीके से चल सकती है GTA की तरह। अपन इसमें गाड़ी का थर्ड पर्सन व्यू नहीं कर सकते, किसी भी चीज का थर्ड पर्सन व्यू नहीं कर सकते क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन गेम है, तो इसमें हमेशा इसी तरीके से गाड़ी चलेगी। खैर सवाल और अमिता की ये जो डिफरेंसेस हैं इसी वजह से वो दोनों आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं
उसने अभी बोला भी तो था पिछले मिशन में कि तूने अजय को बचाया इसलिए ऐसा हो गया। अरे अजय को बचाया तो बचाना नहीं था क्या? क्यों नहीं बचाना था? मतलब यार एक एक आदमी की कीमत जान कीमती होती है, बचाना तो चाहिए ही ना। ये कोई तरीका थोड़ी होता है कि अजय को नहीं बचाना था क्योंकि तूने वहां से बचाया तो पॉल आ गया अब यहाँ पे अटैक करने के लिए, तूने पॉल के घर पे अटैक किया। ऑब्वियसली इसने पॉल के घर पे अटैक किया, लेकिन इसने दर्पण को वहां मरने के लिए छोड़ भी तो दिया। तो सबाल और अमिता आपस में इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। अपन को बेसिकली ये गेम पार करना है, लेकिन आगे चल के अपन को दोनों में से एक की साइड लेनी पड़ेगी, वो बड़ा मुश्किल काम है। खैर अब अपन इस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे अपन को गार्ड्स को मारना है और एटलीस्ट दो हॉस्टेजेस को बचाना है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब अपन यहाँ से ऊपर चलते हैं। मैं एक और बार ग्रैपल कर लूं, गलती से मेरे से एक गोली चल गई, लेकिन इस ये जो अपने पास पिस्टल है इसमें साइलेंसर लगा हुआ है तो इससे अपन स्टेल्थीली मार सकते हैं, इसीलिए मैं ये वाली हैंडगन लेके चलता हूँ, साइड आर्म। ये काफी अच्छी है, इसमें साइलेंसर लगा हुआ ऑलरेडी और आयरन साइट भी है। ये जो अपन इसमें रेड डॉट साइट आ जाती है जिससे अपन अच्छे से इजीली हेड ले सकते हैं। लेजर होती तो और मजा आ जाता, लेजर नहीं है। लेकिन अब मैं यहां से और ऊपर चलता हूं क्योंकि जितना ज्यादा ऊपर जाऊंगा ना उतना अच्छा अपने को व्यू मिलेगा और उतने आराम से अपन सारे एनिमीज को पहले टैग कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे उनको स्टेल्थली मार सकते हैं ताकि जब अपन एक को मारे दूसरे को पता ना चले। और वही करना है अपन को, जैसे ही अगर यहाँ पे अपन डिटेक्ट हो गए, किसी को भी पता लग गया तो वो हॉस्टेजेस को मार देंगे इमीडिएटली। इसलिए अपन को डिटेक्ट बिल्कुल नहीं होना है, मिशन अपन को स्टेल्थली ही पार करना है। तो अपना बो एंड एरो काम आएगा या तो ये पिस्टल काम आएगी, तो मैं सोच रहा हूँ इस मिशन में अपन पिस्टल यूज करें। तो यहाँ पे एक तो अपन को एनिमी दिख रहा है और एक अपन को हॉस्टेज दिख रहा है, उसको तो उसने पहाड़ पे वहां पे हाइट पे ऐसे लगा रखा है जैसे अभी एक लात की देगा और हॉस्टेज गया नीचे। चलो तो अपन को डिटेक्ट नहीं हो रहा, तो मैं क्राउच करके बड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ आराम से। अपन को एटलीस्ट दो हॉस्टेजेस बचाने हैं मिशन पार करने के लिए, लेकिन अपन सबको बचाएंगे। तो यहाँ पे और कोई एनिमी दिख नहीं रहा, मैं इसको एक को तो निपटा देता हूँ पहले। अरे अरे मरा नहीं, ओ साला साला गाली दे रहा हूँ पैंचो। अरे यार डिटेक्ट हो गए अपन, अरे यार फक डिटेक्ट हो गए, फेल ही हो गया मिशन ऑब्वियसली। मार दिया सालों ने हॉस्टेजेस थे जो उनको, गाली और खा गए अपन। ओ बैंचोद बोला इतनी जोर से। अरे यार चलो अब अपन रिट्राई कर रहे हैं और अपन यहां से अब ऊपर चलते हैं। अच्छा यहाँ पे तो नहीं है अपन, अपन काफी दूर स्पॉन हुए हैं दोबारा से, तो अपन को अभी काफी दूर जाना है। अभी अपन 100 मीटर दूर है एक्चुअल लोकेशन से। ये वो वाली लोकेशन है जहां से अपन ने उस दिन वो जो पैकेज आया था वो कलेक्ट किया था। अच्छा यहां से मैं डायरेक्ट ग्रैपल नहीं कर सकता, अपन को पहले इधर इतनी हाइट पे जाना पड़ेगा, वो ज्यादा हाइट पे है तो उतनी हाइट पे ये ग्रैपल नहीं कर सकता डायरेक्टली, क्योंकि इसको ये ग्रैपल फेंकना पड़ेगा और इतनी हाइट पे नहीं फेंक सकता ये। अब अपन यहां से कर सकते हैं। ओके तो अब अपन सक्सेसफुली ऊपर पहुंचने वाले हैं, बस इसके बाद अपन उस जगह पे इस बार थोड़ा ध्यान से जाएंगे। और मैं एक काम करूंगा, इस बार सब लोगों को पहले टैग कर लूंगा उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा, क्योंकि सबको टैग करने के बाद क्या वो फिर दीवारों में से दिखने लग जाते हैं आर पार, तो अपन ज्यादा इजीली मूव भी कर सकते हैं बिना डिटेक्ट हुए। एक बार टैग करते हैं जरा सबको। ये वाला लोकेशन भी अच्छी है, यहां से साले सारे हॉस्टेजेस भी दिख रहे हैं और ये एनिमीज भी दिख रहे हैं अपन को। दो तो एनिमी दिख गए, दो हॉस्टेज दिख गए, चलो ये बढ़िया हो गया, चार है टोटल हॉस्टेजेस है ना। तो यहां पे तो कोई भी नहीं है, अब यहां से आगे चलते हैं। मैं स्लाइड करके वापस से क्राउच कर लेता हूं, ये बड़ा अच्छा स्टाइल है इसका, स्लाइड हो जाता है। अच्छा ये वही वाले हैं साले जो अभी अपन ने पिछली बार देखे थे, अपन ऊपर से आए थे पिछली बार सामने से, इस बार अपन इधर से आए। यहां पे एक और था साला, अपन को पता ही है। खैर अब अपन पहले काम करते हैं, नीचे वालों को मार देते हैं उसके बाद उन पे चलेंगे। अरे यार ये एक बच गया था, इसको पहले मार देता हूं। चल साला, बड़े प्यार से हेडशॉट ले लिया उसको मैंने और किसी ने देखा नहीं है, मतलब वो अकेला था। और अब जो अपन को दो और दिख रहे हैं टैग कर लिया अपन ने, वो दो ही और हैं और यहां पे नीचे तो और नहीं दिख रहे मेरे को। अच्छा तो बाहर से जाने के बजाय मैं एक काम करता हूँ, अंदर से ही जाता हूँ क्योंकि उस हॉस्टेज का मुंह उस तरफ है। तो मैं काम करता हूँ इस वाले हॉस्टेज को, नहीं पहले इसको मार देता हूँ। चल साला, हॉस्टेज को मार रहा था ये, इसको अनटाई नहीं कर सकता मैं अभी। अच्छा अभी इनको अपन फ्री नहीं कर सकते, पहले अपन को सबको मारना जरूरी है। ओके तो अपन चलते हैं, अब पहले इस वाले को मार देता हूँ मैं, ये साला यहाँ पे है। चल ये गया, चलो बहुत ही बढ़िया, इसको हेड नहीं पड़ा, लेकिन इसको साले को 10 XP मिले अपन को।
जितना अच्छा अपन हेडशॉट मारे उसमें अपन को 25 एक्सपी मिलते हैं और एक्सपी पॉइंट से अपन को स्किल मिलते हैं, तो ये सब आपको पता ही है, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब यहाँ से अपन धीरे धीरे ऊपर चलते हैं। क्राउच मैंने किया हुआ है, ये वाला अपन को देखना ले एनिमी, बस वो एनिमी भी बैठा हुआ है पता नहीं क्या कर रहा है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। उसको साले को पता भी नहीं चलेगा कौन कहां से उसकी मौत आ जाएगी। ये चल बस, चलो निपटा दिया अपन ने, 25 एक्सपी मिल गए। अब ये मेरे ख्याल में आखिरी है, तो इसको तो साले को मैं आराम से मार देता हूँ टेक डाउन। चल 30 एक्सपी पॉइंट मिल गए और ये अपन ने सारे एनिमीज मार दिए। अब अपन हॉस्टेजेस को फ्री कर सकते हैं। सक्सेसफुली अपन ने हॉस्टेजेस को बचा लिया। This is what he wanted when he created the Golden Path, to help his people. Look, I didn't come here for my father or any of this. We could still use your help, brother. Look at the difference you've made. I know, I'm asking a lot from you. ये सवाल इसको बेचारे को फंसाया जा रहा है इमोशनली ब्लैकमेल कर करके, यार थोड़ा बहुत काम कर दे हमारे लिए, हमको तेरी मदद की जरूरत है। तो अब इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।